बैतूल में बस और टवेरा गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टवेरा में सवार सभी 11 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दुख व्यक्त किया। राजपूत ने कहा, प्रारंभिक जांच में टवेरा चालक की गलती सामने आई है। वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। बैतूल में सड़क हादसे के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिला, 6 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से मजदूरी करके महंत गांव और चिखलाई जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मृतकों के परिजनों को 15,000 की मदद की गई है और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गलती टवेरा चालक की थी। ड्राइवर रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। बैतूल से परगासपुरा रोड पर झल्लार के पास जो घटना घटी है, बस और टवेरा गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, 11 मजदूरों की मौत हुई है। निश्चित ही बहुत ही दुखद है। ये सारे मजदूर महाराष्ट्र से मजदूरी करके अपने गांव महतगांव और चिखलाई की तरफ आ रहे थे। सुबह करीब 2 से 2:30 बजे की घटना बताई जाती है। प्राथमिक तौर पर मैंने वहां कलेक्टर से, RTO और अधिकारियों से चर्चा की तो बताया गया कि प्राथमिक तौर पर ये समझ में आ रहा है कि ड्राइवर टवेरा गाड़ी को रॉन्ग साइड लेके चला गया। हो सकता है उसे नींद आ गई हो, या हो सकता है कोई और बात हो, चूंकि टवेरा में कोई व्यक्ति बचा नहीं है। लेकिन चूंकि प्राथमिक तौर पर गलती टवेरा के ड्राइवर की समझ में आ रही है, बस खाली थी, बस में ड्राइवर कंडक्टर अकेले थे। बस घाटी से उतर रही थी और बस चढ़ाई चढ़ रही थी और टवेरा उतर रही थी। तो ये घटना बहुत ही दुखद है। इसमें 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हुई है। सभी परिवारों के लिए शव देने के साथ साथ जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से उनके लिए राहत राशि दी जाएगी। अभी प्राथमिक तौर पर उनको 15,000 रुपए की राशि दे दी गई है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ और जल्दी ही हमारी कोशिश होगी कि परिजनों के लिए कम से कम 4,00,000 रुपया की व्यवस्था की जाए। सरकार पूरी तरीके से परिजनों के साथ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।